हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो थोड़े दिन पहले मैंने ये रियलिस्टिक लैम्बोर्गिनी का स्केच किया था और ये बहुत लोगों को पसंद आया था, तो आज मैं वापस एक रियलिस्टिक कार का ड्राइंग करने वाला हूँ। लैम्बोर्गिनी नहीं, दूसरी कोई तो कार, वो पहले सर्च करेंगे, जो अच्छी लगेगी वो करेंगे। ऐसे कुछ फिक्स नहीं है कौन सी कार ड्रॉ करना है। तो अब मैं जल्दी गूगल पे ढूंढता हूँ, होपफुली कोई अच्छी कार मिल जाएगी जल्दी जो मैं ड्रॉ कर पाऊँगा। तो अब मैं दो तीन कार ढूंढ रहा हूँ, पर मुझे टेस्ला रोडस्टर बहुत पसंद आई और कुछ ऐसा ही मैं ड्रॉ करने का ट्राई करूँगा। ये ऑलरेडी किसी ने तो ड्रॉ किया हो, मुझे पता नहीं किसने किया है, साइन है पर मैं गेस नहीं कर पा रहा हूँ कौन है, पर ऐसे ही टाइप में कुछ एक टेस्ला रोडस्टर ट्राई करने वाला हूँ मैं ड्रॉ करने के लिए। तो अब मैं जल्दी इस पेपर पे रफ स्केच बना देता हूँ। ये पेपर 140 GSM का है, इससे ज़्यादा थिक मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं कलर पेंसिल से ही कलर करने वाला हूँ, कोई अल्कोहल मार्कर्स और यूज़ नहीं करने वाला हूँ। मीनवाइल अभी आप सोचोगे नहीं क्या हो गया, मैं जस्ट ड्राइंग स्टार्ट करने जा रहा था टेस्ला वाला, पर उसके पहले मैं सोचा क्यों ना लैम्बोर्गिनी वाला ड्राइंग अपने जगह पे रख दूँ, मतलब जिधर मैं हमेशा रखता हूँ वॉल पे, मतलब फ्रेम हैंग किया है, क्योंकि वो उधर रखते टेबल पे टूटने का चांस था और जो होना था वही हो गया, फ्रेम लगाते लगाते गिर गई और टूट गई फ्रेम। अचानक मेरे एकदम हाथ से ही स्लिप हो गई फ्रेम और सीधा नीचे जाके ठुश एकदम फूट गई। पता नहीं उसने भी सुन लिया कोई नई गाड़ी बनने वाली है, मैं पुरानी हो जाऊंगी, इसके लिए टूट गई। कैसे हो सकता है, ये क्या लॉजिक है? फिर से इसको फ्रेम करने पड़ेगा, मीन्स ग्लास चेंज करने पड़ेगी इसकी। और अब मेरा रफ स्केच तो बना के हो गया, ग्रिड्स ने बहुत हेल्प की, उसके वजह से बहुत इजी हो गया था बनाने के लिए, उतना भी इजी नहीं था, थोड़ा टाइम लग गया बनाते बनाते। और अब थोड़ा मुझे बाहर जाना है, तो मैं फिर आके कंटिन्यू करूँगा ये ड्राइंग। तो अब मैं वापस आ गया हूँ और अभी जल्दी ये टेस्ला का ड्राइंग मैं कंटिन्यू करूँगा। अब नेक्स्ट कलरिंग स्टार्ट करने वाला हूँ और कलरिंग के लिए मैं मेरे स्टेटला कलर पेंसिल ही यूज़ करने वाला हूँ। ये वही वाले हैं जो मैंने थोड़े दिन पहले अनबॉक्स किए थे, अब तक मैं यूज़ नहीं किया हूँ, वैसे के वैसे ही पड़े थे, तो आज ये फर्स्ट टाइम मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं टेस्ला के विंडशील्ड से स्टार्ट करने वाला हूँ और सारे शेड्स पहले नहीं निकालूंगा, जितने शेड्स विंडशील्ड के लिए चाहिए उतने ही मैं निकालूंगा। और कलरिंग करने के पहले मैं थोड़ा स्लाइटली इसको इरेज करने वाला हूँ ताकि कलरिंग के बाद जो पेंसिल के लाइंस दिखे ना। तो मैं रेफरेंस पिक को देख के ही शेड्स पिक करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो ब्लैक लगेगा और फिर ये ग्रे के शेड्स, मेरे हिसाब से ये तीन ग्रे के शेड्स में काम हो जाएगा। ये डल ग्रे का शेड है और लगे तो भी मेरा है ही नहीं, तो फ़ायदा नहीं है कुछ बोल के भी। तो ये चार शेड्स ही मोस्टली विंग शील्ड के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो विंडशील्ड हो गई है और अभी नेक्स्ट मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट मैं करने वाला हूँ, जो है कार की बॉडी। इसके लिए बहुत टाइम लगने वाला है और बहुत शेड्स भी लगने वाले हैं, तो जल्दी स्टार्ट करते हैं। आज पूरा तो मेरे हिसाब से नहीं होएगा कंप्लीट, पर जितना होएगा उतना मैं करूँगा। अब इतनी तो टेस्ला ड्रॉ करके हो गई है, अब एकदम थोड़ा ही बाकी है, होपफुली जल्दी वो भी हो जाएगा। और अब तक जितनी ये कार हुई है मुझे बहुत अच्छी लग रही है, होपफुली पूरी होने के बाद भी अच्छी दिखे, नहीं तो मैं अभी कुछ मेसअप ना कर दूँ, क्रॉस फिंगर्स, होपफुली अच्छी होने तो चाहिए वैसे, पर देखते हैं। अब जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं और मिलते हैं बाद में। कार का स्केच तो ऑलमोस्ट खत्म होने आ गया, पर मैं
डेली स्केचिंग चैलेंज करता हूँ, आज का बाकी है तो पहले मैं वो कंप्लीट करता हूँ, फिर बाद में ये गाड़ी कंप्लीट करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही यार, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको मेरे ड्राइंग्स खरीद के मुझे सपोर्ट करना होगा तो आप ये मेल आईडी पे मुझे मेल करो और फिर आगे के प्राइसिंग और मैं वही आपको बता दूंगा। ये वाला टेस्ला का भी ड्राइंग है, फिर लैम्बोर्गिनी वाला ड्राइंग, कोई भी ड्राइंग हो आप खरीद सकते हो, ओरिजिनल और प्रिंट दोनों। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो नेक्स्ट कौन सी गाड़ी मैं ड्रॉ करूँ। मैं ज़रूर ट्राई करूँगा वो ड्रॉ करने के लिए। और सब्सक्राइब करो चैनल को, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे नहीं है, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन रहता है ऑन करो ताकि आपको पता चलेगा मैं नया वीडियोस कब डाल रहा हूँ।